फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं IRFC की, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की। एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी है जो रेलवे को फाइनेंस करती है। आज इस स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी, करीब 7% के ऊपर तेज़ी बनी और सबकी नज़र इसके ऊपर आ गई। इतनी बड़ी तेज़ी कहाँ से बनी, तो उसके पीछे क्या वजह है, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे क्या इस लेवल पर निवेश कर लेना चाहिए, क्या इस समय हमें निवेश करने पे अच्छा मल्टीबैग रिटर्न देने वाला स्टॉक बन सकता है। सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे, साथ में इसके शॉर्ट टर्म टारगेट क्या बन सकते हैं और अगर हमारा लॉन्ग टर्म नजरिया है तो हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में इसके वॉल्यूम के अंदर बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हुई है, वो क्या सिग्नल है, पॉजिटिव सिग्नल क्या बन रहा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और साथ में कंपनी की परफॉर्मेंस देखेंगे और जानेंगे क्या हर तरह से ये खरीदारी के लिए सही स्टॉक लग रहा है, क्योंकि इसका जो IPO आया था उसमें IPO में लोगों को लॉस हुआ था और उसके बाद में काफ़ी समय से इसकी प्राइस 20 रुपीज़ के आसपास थी। आज अच्छी खासी तेज़ी बनी है, लेकिन क्या ये तेज़ी आगे जारी रह सकती है या फिर वापस ये स्टॉक 20 के आसपास आ सकता है, तो वो सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज IRFC का स्टॉक 21.15 पर ओपन हुआ, इसने हाई बनाई 22.70 के, लो में गया था ये 21.10 के और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 22.60 पर, करीब 7.11% अप पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो क्लोजिंग आई है वो ऊपर की तरफ ही है, यानी जो दिन भर का हाई था यानी 22.70 का, वहीं पर इसने क्लोजिंग दिया। इसका मतलब आगे अब तेज़ी की संभावना और दिख रही है, क्योंकि प्राइस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, ये सबसे बड़ी बात है। इसका मतलब आगे तेज़ी जारी रह सकती है स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। BSE में 79,09,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 38,74,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज है फ्रेंड 48.99%, बहुत ही शानदार, करीब 50% के आसपास डिलीवरी बेस काम हुआ है, जो ये साबित करता है कि लोग इसमें वैल्यूबल बाइंग कर रहे हैं। NSE की बात कर लेते हैं, 5,13,46,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,15,17,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 41.91%। तो यहाँ पर भी NSE में भी अच्छी खासी डिलीवरी बेस काम हुआ है और लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस लग रही है। और मैंने काफ़ी समय से आपको बोला है IRFC में आपको निवेश करना चाहिए। जब इसका IPO आया था उसमें भले ये डिस्काउंट में खुला था, फिर भी मैंने आपको बोला था इसमें आप निवेश करके रखिए, ये आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि कंपनी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही यूनिक है। यह कंपनी रेलवे को फाइनेंस करती है, सरकारी कंपनी है और इसका जो निवेश है वो सारा का सारा सिर्फ रेलवे के ऊपर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में करती है, तो वहाँ से इनके लॉस की कोई संभावना नहीं है, वहाँ से बहुत कम मात्रा में इनके लॉस हो की संभावना बनती है, यानी सारी सरकारी कंपनियों को ये सर्विस प्रोवाइड करती है तो वहाँ से लॉस की कोई संभावना है नहीं। ऊपर से इनका जो फाइनेंस है वो दूसरी कंपनियों से फाइनेंस लेते हैं, फॉरेन कंट्रीज से फाइनेंस लेते हैं और वहाँ से फिर आगे रेलवे को प्रोवाइड करते, तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही शानदार है और इस वजह से इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, ये आने वाले समय का एक मल्टीबैगर स्टॉक लग रहा है। फ्रेंड्स, इसकी परफॉर्मेंस की एक बार बात कर लेते हैं, तो 15.54% दूर है अपने 52 वीक से। जैसे कि आपको पता ही था, जैसे इसकी लिस्टिंग हुई थी उसके बाद से ये काफ़ी इसमें गिरावट हुई थी और ये स्टॉक 20.80 तक आ गया था लो में, तो अभी फिलहाल ये 15.54% दूर है अपने 52 वीक से, यहाँ से अब संभावना तेज़ी की बन रही है। पिछले एक महीने में 2.73% की तेज़ी बनी है, अच्छी खासी तेज़ी बनी है। इस दौरान निफ्टी 50 में 0.72% की ही तेज़ी बनी है, तो निफ्टी 50 से अच्छी तेज़ी इसमें बनी है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात इसके वॉल्यूम को एक बार एनालिस करते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, वन वीक पहले इसका 2 करोड़ का ही वॉल्यूम था और फ्राइडे को काफ़ी कम था, यानी सिर्फ 1 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है वॉल्यूम के अंदर, आज 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम बढ़ा है ये साबित करता है कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट जागा है और यहाँ से अब खरीदारी की संभावना बन रही है। और इसके पीछे जो वजह है फ्रेंड्स, IRFC ने $3.33 बिलियन का फंड रेज किया, बहुत बड़ी अमाउंट की है फ्रेंड्स। ये फंड रेजिंग जो की गई है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए की गई। इसका मतलब फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि IRFC को कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ऑर्डर मिला है, इसका मतलब कंपनी के पास बहुत बड़ा काम है
और इस वजह से स्टॉक के अंदर तेजी की संभावना बिल्कुल बनती है, क्योंकि कंपनी के पास लगातार अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, IRFC को फंड रेज करने में कोई मुसीबत होती है, आराम से इनको फंड मिल जाता है फॉरेन कंट्रीज से, क्योंकि ये एक इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है जिसके अंदर 86% की होल्डिंग सरकार की है, तो बिल्कुल सेफ साइड निवेश है, इसीलिए कोई भी इनको फंडिंग करने से पीछे नहीं हटता है। तो बहुत जल्दी इनके कामकाज में तरक्की होती है और ये साबित हो रहा है इसके Q3 के रिजल्ट के अंदर। एक बार हम इसके Q3 के रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे। Q3 में IRFC को टोटल इनकम 3932.46 करोड़ की हुई थी, जो Q2 से 5.88% ज़्यादा थी। Q2 में 3714.17 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी, तो इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी Q2 से Q3 के दरमियान, और पिछले साल सेम क्वार्टर से भी 8.01% की ज़्यादा प्रॉफिट में इनकम के अंदर बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 3640.94 करोड़ थी। कंपनी की इनकम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यह सबसे अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है। यानी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर से या हिसाब से देख लो या फिर ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देख लो, तो कंपनी आगे अपने कारोबार को लगातार बढ़ा रही है। इसका मतलब बिल्कुल निवेश के लिए सुरक्षित स्टॉक है। फ्रेंड्स, IRFC ने 1046.74 करोड़ का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बताया Q3 के दरमियान, तो इस बार इससे आगे और तेजी बन सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, शानदार रिजल्ट है कंपनी का सामने, और परफॉर्मेंस के हिसाब से लग रहा है कि रिजल्ट और भी आगे दमदार आएगा, तो बिल्कुल इसमें निवेश के लिए एकदम सही मौका है। खरीदारी के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है, ये अपनी IPO प्राइस से भी नीचे मिल रहा है, तो खरीदारी बिल्कुल इसमें करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, IRFC ने पिछले दिनों 1 रुपये के आसपास अपना डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, तो डिविडेंड देने वाली कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जिसमें 86% की होल्डिंग ऑलरेडी गवर्नमेंट की है, तो आपके पैसे डूबने की संभावना बहुत कम है। और फ्रेंड, सबसे बड़ी बात, इसमें जो अगर आप कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है। 89% लोग बाय की कॉल दे रहे, 6% सेल की कॉल है और 5% होल्ड की कॉल है, तो 89 और 5% को अगर जोड़ेंगे तो करीब 94% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए हमें। फ्रेंड्स, अगर आप 2 साल के लिए अगर इसमें निवेश कर लेते हो तो मेरे हिसाब से इसकी प्राइस आराम से 100 के पार जा सकती है, और बिल्कुल अगर आप इसको एक FD के तरीके से रखें, मैं कहता हूँ आप इसको 10 साल के लिए एक FD के तरीके से इसमें निवेश कर लीजिए, जैसे आप पोस्ट ऑफिस में करते हो, बैंक के अंदर करते हो, वैसे ही एक FD कर लो, इसमें 10 साल आपको लाखों रुपये ये कमा के देगा स्टॉक, तो इससे शानदार कोई स्टॉक हो नहीं सकता। और मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको, ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। फिलहाल ये करेक्शन के दौर में है, इसकी वजह से इसकी प्राइस नहीं बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से आज इसमें मूवमेंट हुआ है, 7.11% की तेजी बनी है, उससे लग रहा है कि अब यहाँ से भयंकर तेजी की संभावना इसमें बन सकती है। एक बार हम इसके पीवट लेवल को डिस्कस करके जानेंगे कि ये गिरावट में फिर नीचे कहाँ तक जा सकता है और तेजी बनेगी तो कहाँ तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर बाजार में गिरावट होती है तो जो फर्स्ट सपोर्ट ही है इसका, वो है 20.33 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा बड़ी गिरावट में तो 19.37 तक जा सकता है, और भयंकर अगर बाजार में एक तरफा गिरावट होती है तो 17.93 तक जाने की संभावना है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट में ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर तेजी बनेगी तो कहाँ तक दौड़ेगा, तो जो फ्रेंड्स पहला जो टारगेट है वो है 22.73 का, जो ऑलरेडी आज आ चुका है, यानी 22.70 की इसने हाई भी बनाई है। सेकेंड टारगेट 24.17 का है, और थर्ड टारगेट इसका फ्रेंड 25.13 का है, यानी बिल्कुल अपने IPO प्राइस के तक जा सकता है। ये शॉर्ट टर्म टारगेट है इसका, जो आप आराम से अगर 10-15 दिन के लिए निवेश करके रखते हो तभी भी ये आपको 25 तक जाता हुआ आप दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट बढ़ चुका है, इसकी जो वॉल्यूम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, इसका वॉल्यूम करीब 5-6 गुना बढ़ चुका है। फ्राइडे को सिर्फ 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था पूरे दिन में, और आज इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट जागा स्टॉक के प्रति, तो बड़ी इसमें तेजी बन सकती हो। और फ्रेंड्स, लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए, आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, ये एक एक्स्ट्रा बोनस है आपके लिए, तो बिल्कुल निवेश के लिए सुरक्षित स्टॉक है, निवेश कीजिए और बहुत अच्छा इसमें आपको रिटर्न मिल सकता है। कम से कम 2 साल का नजरिया रखे आपको ये 100+ जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।